हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल स्पाइस ऑफ लाइफ बाय वसुंधरा एंड आज मैं आपको लव रीडिंग देने वाली हूँ फॉर कैंसर्स फॉर द मंथ ऑफ मे और राइट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो जो भी आपके साथ रेजनेट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से बेटर कनेक्ट करके आपको बेटर रीडिंग्स दे सकूँ एंड अगर आपकी कोई भी पर्सनल रीडिंग हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कामेंट सेक्शन बिलो because i am ready to do that all right so cancer may 2024 in regards to love cancer may 2024 in regards to love what is there for my cancers in regards to love may 2024 cancer May twenty twenty four Love reading. What is there for cancer for May twenty twenty four? Okay.

या कोई सेल्फ डेवलपमेंट करते हुए देख रही हूँ व्हेन इट कम्स टू लव हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में अपने आप को बिल्ड करने की अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं टू बिकम समथिंग बेटर ओके या फिर आप लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ लोग आ, किसी थर्ड पर्सन से कोई सजेशन ले रहे हैं इन रिगार्ड्स टू समथिंग तो ये नज़र आ रहा है विद द हारो ऑल राइट

प्यार आपको मिलेगा जिसके लिए आप अभी तक वेट करते आ रहे हैं ठीक है आप सोचते हैं कि आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो आपके टाइप का हो जिस मतलब जो आपसे प्यार करे और एंड फाइनली थिंग्स आर कमिंग योर वे देन इज़ द नाइट ऑफ वॉन्ट्स तो आई सी यू मूविंग फॉरवर्ड विद समथिंग मे बी यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद द रिलेशनशिप मे बी आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं उस रिलेशनशिप को मे बी अगर आप ऑलरेडी एक बहुत ही टाइट अच्छे रिलेशनशिप में हैं तो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग मैरिड टू दिस पर्सन या अगर आप लोग सिंगल हैं तो अगेन यू आर गोइंग टू गेटिंग टू रिलेशनशिप एज पर बोथ द कार्ड्स ओके सो यू आर मूविंग फॉर्वर्ड विथ समथिंग एंड आप जो चाहते थे वो आप उसके पीछे जा रहे हैं बेसिकली ठीक है ओके नेक्स्ट आई सी द जजमेंट अगेन इट्स अ मेजर आरकाना कार इट्स अ स्टेपिंग स्टोन सो इट टेल्स मी कि आप लोग अभी तक अपनी लाइफ को द फुलेस्ट पे नहीं जी रहे थे एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट ओके અને જો લોકો ابھی تک મતલબ રિલેશનશિપ મે આપમેસે કુછ લોગ અગર પરેશાન થે તો يا કોઈ ભી વાત થી તો આપ લોગ ઉસ રિલેશનશિપ મે આર يا પાર હો જાના ચાહતે હે આપ બીચ મે લટકે નહીં રહેના ચાહતે હે સો યુ આર ટ્રાઈંગ ટુ બી ઓન વન એન્ડ ઓફ ધ રિલેશનશિપ वेयर યુ નો वेयर યુ આર ઇન ધ રિલેશનશિપ અગર લટકે ہوئے تھے તો યુ વોન્ટ ટુ ડુ સમથિંગ ઓફ ધેટ સોટ ઠીક હે આપ એસા કુછ કરતે ہوئے નજર આ રહે હે યુ આર મૂવ ચૂઝિંગ ટુ વોક ટુવર્ડસ લાઈટ ठीक है डार्कनेस से निकल के एक मैंडेटरी डिसीजन ले रहे हैं इन रिगार्ड्स टू योर रिलेशनशिप सम ऑफ यू ओके देन कम्स द सेवन ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ योर लास्ट कार्ड विच टेल्स मी दैट यू आर थिंकिंग अबाउट अ लॉन्ग टर्म डिसीजन अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग इन रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ अब वो कुछ भी हो सकता है आप क्या चीज़ के रिगार्ड्स में देख रहे हैं आदर यू आर थिंकिंग कि आप एक नए रिलेशनशिप में एक सीरियस रिलेशनशिप में घुसने का सोच रहे हैं या आप ऑलरेडी हैं तो उसको एक नेक्स्ट लेवल पे उसके लिए आगे कैसा रहेगा प्लानिंग बनाने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं ओके okay? सो दिस वॉज योर जनरल लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर अगर आपके साथ कुछ भी रेजिनेट होता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड डू नॉट फोरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो आई एम रेडी टू गिव यू ऑल पर्सनल रीडिंग्स अगर आपके कोई अपने पर्सनल क्वेश्चन हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर थैंक यू